सर, माई सेल्फ संगीता देशवाल, आई एम प्रिंसिपल ऑफ दिस जीडी पब्लिक स्कूल। तो क्या दिक्कतें आ रही है कोरोना काल में स्कूल चलाने में? सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है कि कोरोना काल में प्रॉब्लम्स। मुझे लगता है एक फाइटर, व्हेन द कोरोना वाज स्टार्टेड, एक फाइटर थे आर्मी ऑफिसर्स, आवर पुलिस फोर्स एंड डॉक्टर्स, नर्सेज। बट इन सब चीज़ों के बीच में कहीं ना कहीं ये भूल गए हैं, एक फाइटर स्कूल्स है, स्कूल के टीचर्स हैं, जिन्होंने इतनी मुसीबत के बीच में क्लासेस ली है। स्कूल्स वर क्लोज्ड बट द एजुकेशन वॉज कॉन्टिन्यू। और ये एक ऐसा मुद्दा था कि इस समय पे कहीं ना कहीं स्कूल्स को पेरेंट्स की तरफ से सपोर्ट नहीं मिला, टीचर्स को सैलरी को लेकर के लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। सही मायनों में जो स्कूल के पर्सनल खर्चे, बसेस की इंस्टॉलमेंट, टीचर्स की सैलरी, एक इतना मेंटल प्रेशर था कि जिसको लेकर के बहुत प्रॉब्लम्स फेस की गई हैं। बात करते हैं स्कूल, स्कूल मीन्स एजुकेशन, तो एजुकेशन तो कहीं ना कहीं जीरो हो गई है। तो इस कोरोना में इतनी प्रॉब्लम्स आई हैं, दोनों तरफ से नुकसान है, लाखों लोग बेरोज़गार हुए हैं, बच्चे शिक्षा से बहुत दूर चले गए हैं, तो हर तरीके से हम लॉस में हैं इस कोरोना के साथ। गुणवत्ता की बात करें, बच्चों में गुणवत्ता है अभी भी या खत्म हो चुकी है? सर देखिए, गुणवत्ता की बात करते हैं, बच्चा एक ऐसी कच्ची मिट्टी होता है जिसको स्कूल में जैसे हम ढालते हैं, पेरेंट्स एज वेल एज टीचर, दोनों का रोल बेस्ट होता है। हम ये नहीं कहेंगे कि पेरेंट्स ने अपना रोल प्ले नहीं किया, बट जो चीज़ जैसे बनी गई है, अगर हम उसको वैसे फॉलो ना करें तो डेफिनेटली आपको एवरी लेवल पे, एवरी स्टेज पे प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगे। बात करते हैं गुणवत्ता की, तो कहीं ना कहीं इस कोरोना काल में डिस्टर्बेंस इतना हुआ है कि बच्चे उस पद्धति को भूल गए हैं। वी आर हेयर, हम स्पेशली इस चीज़ पे काम करते हैं, शिक्षा के साथ साथ हम हमारी संस्कृति, संस्कार, इससे बहुत हद तक जुड़े हुए हैं। हम बच्चों को हमारे स्कूल के अंदर टाइम टेबल में एक शेड्यूल फिक्स है, जहाँ पर डे बच्चों को संस्कृति से, सभ्यता से जोड़ा जाता है। तो सर, लॉस तो हुआ है, बहुत लॉस हुआ है। सर देखिए, सर हम जो सरकार में बैठे हुए हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, हम काफ़ी हद तक उनकी बात को ये एग्री करें कि कोरोना है, वी एग्री विद दिस, बट अगर सिर्फ स्कूल्स का लॉकडाउन लगाने से कोरोना को ख़त्म किया जा सकता है, तो वी आर फर्स्ट इन दैट वन थिंग कि हम स्कूल्स को क्लोज़ कर देंगे, और कर दिया। गवर्नमेंट के ऑर्डर्स आए हैं, वी हैव टू फॉलो दिस, स्कूल्स को क्लोज कर दिया गया है अप टू 8th क्लास तक। बट अगर सिर्फ ऐसा करने से कोरोना फिनिश हो रहा है, क्या उस बच्चे के जो पेरेंट्स हैं वो घर से बाहर नहीं जा रहे हैं? क्या श्योरिटी है कि उस बच्चे को सिर्फ स्कूल से कोरोना हो रहा है, वो घर बैठा है? क्या वो मार्केट में नहीं घूम रहा है? क्या वो शादी फंक्शंस अटेंड नहीं कर रहा है? बट सोचने वाली बात ये है कि सर, ये सिर्फ लॉस है, स्कूल्स के साथ, शिक्षा के साथ एक खिलवाड़ हो रहा है। कहीं ना कहीं अब मैं ये कहूँगी, देश का भविष्य खतरे में है। शिक्षा है तो देश का भविष्य सुरक्षित है, और अगर इस तरीके से फिर से लॉकडाउन लगा करके बच्चों को शिक्षा से दूर कर दिया जाता है, तो वाकई में हम अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो स्कूल लगा रहे टाइम किन किन बातों का ध्यान रखें? व्हाट सर? जो आप स्कूल लगा रहे हो, सर 9 to 12, आवर स्कूल इज रनिंग फ्रॉम 9 to 12 क्लासेज एज पर द नॉर्म्स एंड गाइडलाइंस ऑफ द गवर्नमेंट एंड द एजुकेशनल डिपार्टमेंट। एंड जो गाइडलाइंस है प्रॉपरली, यू हैव जस्ट सीन द क्लास ऑल्सो, द स्टूडेंट्स आर प्रॉपरली फॉलोइंग द सोशल डिस्टेंसिंग एंड मास्क इज कंपल्सरी, दे आर यूजिंग प्रॉपर सैनिटाइजर्स, आवर स्कूल इज आफ्टर क्लोजिंग ऑफ द स्कूल इज प्रॉपरली सैनिटाइज्ड, सो वी आर जस्ट फॉलोइंग ऑल द गाइडलाइंस विच आर नेसेसरी फॉर जस्ट प्रिकॉशन एंड द सेफ्टी ऑफ द कोरोना वायरस, कोविड-19। सर बिल्कुल, मैं ये अपील करना चाहूँगी माननीय मुख्यमंत्री जी, हमें कोरोना को ख़त्म करना है, हमें शिक्षा को ख़त्म नहीं करना है। शिक्षा विभाग से भी मेरी सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए, बच्चों को शिक्षा से दूर ना किया जाए, लाखों लोग जो वर्किंग हैं उनको अनएम्प्लॉय ना किया जाए, क्योंकि इस तरह अगर बार बार प्रेशर करेगा, सर स्कूल वाले भी इंसान हैं, वो भी कहाँ तक इस बर्डन को मेंटेन करेंगे, कहाँ तक वो फाइनेंशियली सिस्टम को कॉपरेट करेंगे। तो यही हमारी एक रिक्वेस्ट है शिक्षा विभाग से भी, या तो
स्कूल स्टाफ की, स्कूल की बसेस की इंस्टॉलमेंट्स की, लोन्स की इंस्टॉलमेंट की व्यवस्था बिठाई जाए। हम पूरी तरह से सरकार के साथ हैं, लेकिन अगर इस तरह से दिक्कतें आएंगी तो सर मजबूरन बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। तो फाइनली आई विल से कि माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे जो शिक्षाविद जुड़े हुए हैं कि इसका ऐसा रास्ता निकाला जाए, ना शिक्षा से बच्चों को दूर किया जाए, ना ही टीचर्स को, स्कूल्स को फाइनेंशियली प्रॉब्लम आए, बस सिस्टम को रूटीन में किया जाए। कोरोना से लड़ना है हमें सर, शिक्षा से नहीं लड़ना, शिक्षा को नहीं भगाना है, देश को अनपढ़ नहीं बनाना है। तो अभिभावक से इसको यकीन करना चाहिए। यस सर, बिल्कुल, मैं अभिभावक से उम्मीद करूंगी और ये अपील भी करूंगी कि इस हालात में अभी जैसे कि 8 क्लासेस तक स्कूल्स को क्लोज कर दिया गया है, तो पेरेंट्स भी यही सोच के बैठे हुए हैं सर, फाइनेंशियली कोई सपोर्ट स्कूल्स को नहीं मिल पा रहा है, वो ये सोच के बैठे अगर स्कूल नहीं ओपन होने हैं तो वी शुड नॉट पे द फीस, जबकि गवर्नमेंट ने भी गाइडलाइन दी है कि फ़ीस पे करनी कंपलसरी है। प्लस में मैं तो यही कहूँगी कि जो ऑनलाइन हमारी क्लासेज होती उसके तहत भी बच्चों की व्यवस्था ऐसी बिठाई जाए कि वो टीचर के साथ और शिक्षा के साथ, भले ही वो 10% 20% 30% ऑनलाइन क्लासेस से जुड़े हुए हैं, बट वो जुड़े रहें, वो भी बच्चों को फोकस करें, टाइम दे। इस हालात में उनको भी बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना है, हमें भी सोचना है। तो अब रेस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स पे है, टीचर की भी और पेरेंट्स की भी, तो बच्चों का ध्यान भी अच्छे से रखें। सर बिल्कुल नहीं, नहीं सर बिल्कुल, आपने हमारी मर्जी से किया है और नहीं सर, नहीं 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 सर बिल्कुल कोई ज़बरदस्ती नहीं थी। बहुत अच्छा आपका विज़न लगा, एक सही चीज़ आप लोगों तक, हमारी गवर्नमेंट तक, शिक्षा डिपार्टमेंट तक पहुंचा रहे हैं, और जो कि होना भी चाहिए, ये अवेयरनेस मैंडेटरी है सभी के लिए। सर घर पे पढ़ना ठीक है क्यों, स्कूल में पढ़ना ठीक है क्योंकि घर पे इतने अच्छे से पढ़ाई नहीं होती और बार बार फ़ोन पे नेटवर्क प्रॉब्लम होती है और ना ही हम अपने डाउट्स क्लियर कर पाते हैं, जैसे स्कूल में अच्छे से पढ़ाई कर पाते हैं वैसे वहाँ घर पे पढ़ाई बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। तो टीचर अच्छी तरह डाउट्स क्लियर करा देते हैं। यस, टीचर स्कूल में ही डाउट क्लियर कर पाते और घर पे हर पेरेंट्स इतना वो नहीं है कि हर बच्चे को फ़ोन दिला सके। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि एक ही टाइम पे दोनों बच्चों की क्लास चलती है तो पॉसिबल नहीं है कई फैमिली में कि वो फ़ोन दिला सके हर बच्चे को अलग अलग, तो उसकी वजह से उसकी पढ़ाई का भी नुकसान होता है। मेरा नाम पूजा है। बेटा स्कूल में पढ़ना ठीक है? स्कूल में पढ़ना ठीक है क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस से कम्प्लीटली जो स्टडी का इफेक्टिव वे है वो नहीं हो पाता, साथ के साथ जो प्रॉब्लम्स हम टीचर्स के साथ शेयर कर सकते हैं वो ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू हम अच्छे से नहीं कर सकते, साथ के साथ जो अटेंशन हम स्कूल में अच्छे से दे पाते हैं वो हम घर पे नहीं दे सकते, और यहाँ तक कि पेरेंट्स के पास भी इतना टाइम नहीं होता जो बच्चों के साथ बैठ सके और उन्हें देख सके कि बच्चे स्टडी कर रहे हैं या फ़ोन में अदर थिंग्स कर रहे हैं, तो वो चीज़ भी हमारी नहीं, स्कूल में डाउट क्लियर अच्छे से हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू ऑनलाइन क्लासेस। जे डी पब्लिक स्कूल में पढ़ती हैं। हमारे घर पे पढ़ना गलत है क्योंकि स्कूल में आके हम टीचर से आराम से अपने डाउट ले सकते हैं, हमारी क्वारीज क्लियर हो जाती हैं, हम क्रॉस से क्वेश्चन भी कर सकते हैं, और वहाँ पे टेक्निकल प्रॉब्लम भी आ जाती है। हम 6 और 7 भाई बहनें, हमारे पास सिर्फ 2 ही मोबाइल हैं जिसकी वजह से हम सारी अपनी स्टडीज पर फोकस नहीं कर पाते हैं, स्कूल में आके क्लियर हो जाती है। माय नेम इज शिफाली। आपने ऑनलाइन क्लासेस दी होंगी बच्चों को, तो क्या दिक्कत है ऑनलाइन क्लासेस? सर दिक्कत ही दिक्कत है ऑनलाइन क्लासेस में, ना तो वो पेरेंट्स के लिए यूज़फुल है ना बच्चों के लिए, इवन नॉट फॉर द स्कूल्स ऑल्सो। एक्चुअली क्या होता है, अब कोरोना टाइम पे तो पेरेंट्स छुट्टी पे थे, अपने घर पे थे, तो वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए ध्यान दे देते थे, मोबाइल भी अवेलेबल करा देते थे। अब तो वर्किंग हो गए हैं सभी, तो पेरेंट्स के पास फ़ोन पेरेंट्स के पास होता है, बच्चा घर पर अकेला होता है, ना तो वो क्लास अटेंड कर पाता है। एंड जो हमारा दूसरा ये रीज़न ये भी हो सकता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो टीचर को देख के जो इंट्रैक्शन होता है टीचर का स्टूडेंट का, वो ऑब्वियसली फेस टू फेस हो सकता है, ऑनलाइन क्लासेस में टीचर नहीं चेक कर पा रहा है द स्टूडेंट्स आर लर्निंग स्टडिंग और नॉट। जैसे कि जो एक टाइमिंग है जो ऑनलाइन क्लासेस में एक सब्जेक्ट का, तो कितने मिनट का होता है? सर दो जूम क्लासेस हैं, दैट इज़ अप्रॉक्स 40 मिनट्स। फोर्टी मिनट्स में इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द होल क्लास के एक टीचर वो ऑनलाइन क्लासेस पे सभी बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। बच्चों को निगरानी नहीं रहती? नो, बिल्कुल नहीं सर। वंदना तायर। तो किस तरीके से आप स्कूल से साथ जी सर?
किस सब्जेक्ट के आप टीचर हैं? इंग्लिश टीचर सर, पीजीटी इंग्लिश। तो आपने ऑनलाइन क्लासेस दी होंगी बच्चों को, क्या दिक्कत आई है? सर दिक्कत ये उसी में आती है कि नेटवर्क नहीं होता है कई बार, और स्टूडेंट्स को अगर जैसे पूरे सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो क्लास अटेंड नहीं करते हैं तो उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, रीज़न पूछे जाते हैं, तो वो यही बोलते हैं कि बहुत सारे भाई बहन हैं तो वो नहीं दे पाते हैं, हम पेरेंट्स भी यही बोलते हैं कि हम नहीं दे पाते हैं बच्चों को मोबाइल। फ्रॉम 10th क्लास। स्कूल में पढ़ना ठीक है क्योंकि घर पे कई बार नेटवर्क इश्यूज हो जाते हैं, हम तीन चार बहन भाई हैं, फ़ोन एक ही है, कई बार पापा घर पे नहीं रहते हैं, बीच में किसी की कॉल आ जाती है तो डिस्टरबेंस होती है, इसी टाइप से स्कूल में जो पढ़ाई होती है प्रॉपर वो घर पे बिल्कुल भी नहीं हो पाती है। हाँ स्कूल में। नेम इज़ दीपिका, 12th, जे डी पब्लिक स्कूल। In school, because study is not effective in online classes and topics are not cleared. Yes sir. Yes sir. Yes sir. Yes sir. मेरा नाम योगेश शर्मा। सर जो आपने ऑनलाइन क्लासेस दी होंगी बच्चों को, तो क्या दिक्कतें आई हैं? दिक्कत है सर, सबसे पहले नेटवर्क प्रॉब्लम, नेटवर्क का सबसे ज़्यादा इशू रहता है। दूसरा है हर बच्चे के पास मोबाइल की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, कई बार ऐसा है कि किसी पेरेंट्स के तीन बच्चे हैं तो तीनों बच्चों को वो अलग अलग फ़ोन प्रोवाइड नहीं करवा सकते हैं, ये भी एक समस्या है। दूसरी जो समस्या आती है वो इवैल्यूएशन, बच्चों का इवैल्यूएशन टाइम टू टाइम बहुत ज़रूरी होता है। हम बच्चों का टेस्ट लेते हैं, टेस्ट हमने सेंड कर दिया है, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, गूगल से देखा आंसर सेंड कर दिया, तो इससे जो क्यूरियोसिटी है वो बच्चों की ख़त्म होती जा रही है, तो हम फोकस भी नहीं कर पाते हैं कि बच्चा कितना सीख रहा है, आई कांटेक्ट के साथ हम देखते रहते हैं कि कितना यहाँ पर लर्निंग हो रही है या नहीं हो रही है, वो सारी चीज़ें। एक चीज़ पूछना चाहूँ कि ऑनलाइन क्लासेस में बच्चे पे निगरानी रखी जा सकती है? नहीं, वो पॉसिबल नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है।